मेरा नाम अजीत चौधरी और आज यहाँ उपस्थित हुए हैं आपको अपने नए ट्रैक्टर की सीरीज के बारे में बताने के लिए। तो ये कार्यक्रम है हमारा प्रोडक्ट लॉन्च, यहाँ हम आपको अपने नए प्रोडक्ट जो पावर ट्रैक सीरीज आने वाली है उसके बारे में जानकारी देंगे। कंपनी ने नए सीरीज में क्या बदलाव किए हैं, पहले वाले मॉडल से किस तरह से हमने बेहतर प्रोडक्ट बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा जॉन डीयर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हम सबके लिए जरूरी है कि जॉन डीयर के बारे में थोड़ा जानें। जॉन डीयर कंपनी की शुरुआत 187 साल पूर्व 1837 में मॉडिन नामक एक छोटे से अमेरिका के गांव में हुई थी। आज ये कंपनी 170,000 देशों में कार्य कर रही है और जॉन डीयर का जो मूल बिजनेस है वो अपने एग्रीकल्चर और जमीन से जुड़े हुए काम है, जिसमें हम ट्रैक्टर, इंप्लीमेंट, हार्वेस्टर, इंजन और फाइनेंस, और उसके साथ साथ दो चीज़ों के लिए हम काम करते हैं। फॉरेस्ट्री, जो जंगल के लिए मशीनें आती हैं पेड़ काटने के लिए, और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो आप खदानों में मशीनें उसके और बिजनेस हम करते हैं। भारत की बात करते हैं, भारत में जॉन डीयर की शुरुआत 1998 में हुई थी और हमने अपनी पहली फैक्ट्री की जो निर्माण किया था पुणे में किया था, सरसवाड़ी जगह पर। तो 112 एकड़ की बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ हमारी क्षमता 1,00,000 ट्रैक्टर बनाने की है। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज की डेट में हमने वहाँ पे एक और फैक्ट्री लगाई है फायर लाइन की, जहाँ पे आपके 120 हॉर्स पावर से लेकर 300 हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। एक महीने बन गए 1,00,000 ट्रैक्टर अगर हम बात करें तो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें। उसके बाद जॉन डीयर जैसे जैसे धीमे धीमे बड़ा हुआ, जॉन डीयर पहला 53 प्रोडक्ट के साथ ही आपके बीच में आई थी, यानी मार्केट में 55 हॉर्स पावर के साथ हम आपके बीच में आए। समय बदला, जरूरतें चेंज हुई तो हमारा भी प्रोडक्शन कम पड़ने लगा आपकी जरूरत के हिसाब से। तो हमने दूसरा प्लान लगाया देवास का 2012 में, जहाँ पे हमारी क्षमता है 50,000 ट्रैक्टर बनाने की, जिससे कि हम आपकी सुविधाओं को कंप्लीट कर पाए। तो आज जो प्रोग्राम है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो है हमारा पावर टेक सीरीज के बारे में। पावर टेक क्या है? जॉन डीयर आपके लिए एक नई सीरीज लेके आई है। 50 हॉर्स पावर से ऊपर जो भी ट्रैक्टर आएंगे वो एक नई सीरीज में आएंगे। क्यों आएंगे और ऐसा क्यों हुआ बदलाव, इसके पीछे कारण जानते हैं। भारत सरकार ने अभी एक नियम लागू किया कि जो भी 50 हॉर्स पावर से ऊपर ट्रैक्टर आएंगे वो ट्रेन कोर के मानक पे ही निर्माण करना पड़ेगा। तो उस ट्रेन कोर के मानक का निर्माण को हमें मैच करने के लिए हमने अपने ट्रैक्टर में बदलाव किए, जिससे कि हम अपने ट्रैक्टर्स में नए मानक के साथ ट्रैक्टर्स को लॉन्च कर सकें। अब इसमें क्यों बदलाव करना पड़ा? क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं पर्यावरण में पॉल्यूशन फैल रहा है, तो डीजल इंजन का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो सरकार ने कहा आपको अपने ट्रैक्टर्स की कार्बन की मात्रा कम करनी है और जो ऑक्साइड गैस निकलती है नाइट्रोजन उनकी मात्रा कम करनी है। कितनी कम करनी है? कार्बन की मात्रा 90% कम करनी है और गैस की मात्रा 60% कम करनी है। तो अभी जो ट्रैक्टर जो आ रहा है, आप ये मानिए पहले वाले 55+ जो 50+ वाले ट्रैक्टर और ये वाले में 90% आपका पॉल्यूशन कंट्रोल है। और ये पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया, उसके लिए क्या तकनीक लगे, उस टाइम कच्चा करेंगे, मेरे कोई ख्याल लगेगी। तो अभी हम इस ट्रैक्टर में जो बदलाव किया, तो सबसे बड़ा हमने जो बदलाव किया वो किया हमने इसके इंजन में। अभी जो इसके अंदर इंजन आएगा, इस इंजन का नाम ही पावर टेक सीरीज है, जो हम वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। ये पावर टेक सीरीज यूज करते हैं जहाँ पर BS4, BS5, BS6 के इंजन इस सीरीज के अंदर आते हैं। अब इस सीरीज के बारे में बात करूँ, आप सभी लोग बोलेंगे कि आपको पहले से एक इनलाइन पंप का इंजन दे रहे थे, अभी आप नई तकनीक का इंजन दे रहे हैं, इस पर हम भरोसा कैसे करें? सारा क्वेश्चन आपका सवाल आता है सर, तो मैं आपको बता देता हूँ ये इंजन हमारे लिए नया नहीं है। हो सकता है कि मैं आपके लिए पहली बार लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इस इंजन का निर्माण हम 2014 से कर रहे हैं और वो भी पुणे में, क्योंकि हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी दूसरे देशों के लिए करते हैं। तो दूसरे देश जैसे यूरोप हो गया, आपका कनाडा हो गया, अफ्रीका हो गया या साउथ अमेरिका हो गया, वहाँ पे पहले से ही BS4 मानक के ट्रैक्टर्स का चलन चल रहा था। तो हमने करीब करीब 1,00,000 इंजन ये वाले जो पावर टेक सीरीज के ऑलरेडी हम बना चुके हैं आज तक। और अपने देश की बात करें तो पिछले 2 सालों में हमने करीब करीब 1400 ट्रैक्टर इसी इंजन के साथ 21 राज्यों में बेचे हैं, अलग अलग मिट्टी में, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस हम चेक कर सकें। तो लोगों का भरोसा है और उनका जो फीडबैक आया उसके भरोसे पर हम आपको बोल सकते हैं
बेहतर है। अब इसमें बदलाव हमने क्या किया, इसमें हमने चार बदलाव किए थे। सबसे पहले इसके इंजन में क्या बदलाव हुए, इसके इंजन में आया आपका ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट। ये क्या काम करता है, ये आपके पूरे इंजन को कंट्रोल रखता है, यानी बात करें आपके फ्यूल की सप्लाई, आपके इंजन का हीटिंग टेम्परेचर, जो भी चीज़ें कंट्रोल करने वाली है, टेम्परेचर कम तो नहीं है, या सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इनलेट अच्छे से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद आपके डीजल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा तो नहीं हो गया, आपका बाल का टेम्परेचर कितना है, तो ये पूरे आपके इंजन को कंट्रोल करता है। ये आप बोल सकते हैं इंजन का दिमाग, ये आपका इंजन का दिमाग है। और उसके बाद दूसरा बदलाव किया हमने EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है उसको हम रिसर्कुलेट करके, यानी दोबारा से उस गैस का उपयोग करते हैं इंजन के जलने के लिए, मतलब जो पावर जनरेट करते हैं उसके लिए। उसके साथ साथ इसमें टर्बो भी होता है। टर्बो अगर देखेंगे, टर्बो क्या उपयोग करता है, टर्बो आपके इंजन में हवा लेने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे इंजन को जो निश्चित मात्रा में हवा चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो पूरी मात्रा में मिले। तो इसमें दो तकनीक होगी डबल, एक आपका क्या हो गया टर्बो प्लस EGR, जिसकी वजह से इसका इंजन के अंदर दो कंट्रोल हो गए, नॉक्स कंट्रोल हो गए, जो कार्बन की मात्रा है, डीजल सही चलेगा तो कार्बन बाहर नहीं, क्योंकि सही मात्रा में गैस जाएगी अंदर, एक टेम्परेचर पे जाके सेट होगी, तो डीजल का स्प्रे होते ही आपका बाहर सही होगा। फिर उसके बाद इसमें अगर बात करेंगे DOT, शुरुआत में हमने DOT दिया था। ये क्या होता है, डॉक्स होता है, ऑक्साइड्स होते हैं इसके अंदर, जो धुआं जब निकलता है वहाँ पे लगा होता था। शुरू में हमने इसको लगाया था कि हमें लगा मानक कंप्लीट होने चाहिए, पर जब हमने देखा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो हमने इसको हटा दिया, क्योंकि इससे ट्रैक्टर की कॉस्ट और बढ़ रही थी, हमने क्या किया कम कर दी। तो शुरू शुरू में हमने लगाया था, तो पहले टेस्ट कर रहे थे, पर जब हमें लगा कि इसके बगैर ही मानक पूरा हो रहा है तो हमने इसको हटा दिया। इसके साथ इसमें सबसे अगर बात करें तो इसमें हाई प्रेशर पावर है, जैसे आप लोग कभी बोलते हैं CRDI, ये CRDI से भी बेहतर तकनीक है। ये वो होती है कॉमन रेल इंजन, ये है हाई प्रेशर कॉमन रेल, यानी एक उससे स्टेप अप टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं हाई प्रेशर कॉमन रेल। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपके जो डीजल की सप्लाई टंकी से पंप में आएगी, पंप से आपका जाएगी हाई प्रेशर पंप के पास, वहाँ से तीन वाल्वों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इस पंप के ऊपर हम जो वारंटी देते हैं वो ट्रैक्टर के साथ साथ 5 साल की वारंटी इस पर मिलेगी। तो ये जो तकनीक दी हमने, ये आपके इंजन को क्या करेंगी, ये आपके इंजन को अपग्रेड कर देंगे। तो ये जो आपका इंजन के अंदर बताया हुआ ये पावर टेक सीरीज का इंजन है। अब इसके फायदा क्या किसानों के लिए, अब किसानों के लिए फायदा है इसके अंदर कि इसका मिलेगा आपको क्या लॉन्ग सर्विसिंग प्रभाव, यानी आपको 5 साल मतलब 500 घंटे या आपकी सर्विस, पहली सर्विस 100 घंटे पर, फिर आपकी हर 500 घंटे पर सर्विस मिलेगी। दूसरा ECU, ये ECU हमने लगाया है, इस पर भी हम वारंटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में वारंटी नहीं देती कंपनी, पर हम दे रहे हैं इसे 2 साल या 2000 घंटे। ट्रैक्टर पर इस पर वारंटी कंटिन्यू रहेगी आपकी 5 साल या 5000 घंटे। और उसमें आपका पंप, डीजल पंप पर पहली बार वारंटी आई, पहले माइको का जो पंप आता था उसमें क्या होता था, वो डीजल जैसा माइको वाले दे रहे पंप के एक पॉइंट, तो इस पर आपको 5 साल की भी वारंटी आपका पूरे सिलेबस पे। अब इसके डीजल की बात करते हैं, जब इसके अंदर एक पावर टेक इंजन लग गया तो उससे फायदा क्या हुआ, अब इससे हमें जो इसका दिमाग है ECU वो हमें क्या दे रहा है, अब उसने हमें दे दी पावर, कितनी पावर जनरेट करनी है, कम ज़्यादा, तो हमने इसको कंट्रोल कर दिया। अब इसके अंदर हमने ड्यूअल मोड लगा दिया, 57 हॉर्स पावर के इंजन को आप 57 हॉर्स पावर बना सकते हैं, 52 हॉर्स पावर वहाँ देखो 52 हॉर्स पावर ऐसे बनेगा, जैसे ही आप इसको ईको मोड में लगा देंगे, ईको मोड पे डालते ही आपका ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का हो जाएगा, 52 हॉर्स पावर डीजल भी कम। ये हमने क्यों दिया है, इसलिए भी है, किसान बोलते हैं कि मेरे कम लोड का काम करना है, तो कम लोड का काम करना है ट्रॉली पर जाना है, रोड पर जाना है, ईको में चलाइए, आपको खेत में काम करना है, हैवी लोड पर काम करना है, बड़े इंक्रीमेंट चलाने हैं आपको, प्लास्टर, तो हैवी मोड चलाइए, स्टैंडर्ड मोड चलाइए, जहाँ आपको 57 हॉर्स पावर मिलेगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो पहले जो ट्रैक्टर में आपका आता था मैकेनिकल थ्रॉटल होता था,
क्योंकि जब आप एक्सीडेंट रहता है उसके लिंक होते थे, डॉट्स होते थे, वो जाते थे इंजन में। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोटर है, इसमें कोई भी आपका अलग से कनेक्टिविटी नहीं है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत हिसाब से चलेगा। एयर का भी आप देखेंगे हिसाब से चलेगा। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो रेडिएटर स्प्रिंग, हम जब क्या करते हैं इसको स्टोर रिपर में चलाते हैं, तो स्टोर रिपर में क्या होता है, बोलते हैं रेडिएटर में आपका वो लग जाती है, गंदगी आ जाती है, जाम हो जाता है, चौक होता है, तो इसके लिए अलग से हमने क्या दिया, रेडिएटर पे जारी। तो ये तो चीज़ें होगी इसके अंदर से दिखने वाली है। अब बदलाव देखते ही सामने आने वाला बदलाव बताओ, पहले ट्रैक्टर से इसकी लेंथ का बदलाव किया। सबसे पहले बात करें किसान कहाँ बैठे व्यक्ति चलाता है सीट पर, तो 80 mm सीट चौड़ी की है पहले से, जिससे कि आरामदायक बैठक हो जाए। दूसरा इसका पहले जो एंगल 45 था उसको साफ किया गया, जिससे कुर्सी भी इस हिसाब से चले, जो छोटा हाइट का है छोटा भी चला रहे, बड़ी हाइट का बड़ी हाइट का चला रहे। प्लेटफॉर्म आपका आपका जो प्लेटफॉर्म है वो भी 80 mm चौड़ा हो गया, सीट चौड़ी हुई, प्लेटफॉर्म भी चौड़ा हुआ। उसके बाद अगर बात करेंगे लेंथ की, उसकी लेंथ भी हमने पहले से, पहले आपका आता था 33 या 34 100 mm का, अभी 36 80 mm का है। तो यानी इसकी लेंथ भी हमने पहले से लंबी की है। तो अब ये क्यों किया हमने बदलाव, ये बदलाव हमने इसलिए किया क्योंकि किसान को चाहिए था एक ऐसा ट्रैक्टर जो पहले हॉलेज की कंप्लेन आती थी कि हॉलेज में आपका लिफ्टिंग है, तो उसके वजह से हमने ट्रैक्टर को थोड़ा लेंथ दिया, जिसकी वजह से स्टेबल आपका ट्रैक्टर चले। हाँ, अब जब प्लेटफॉर्म चौड़ा हुआ तो प्लेटफॉर्म के चौड़ा होने से एक फ़ायदा मिलेगा, पहले आपके ट्रैक्टर की टंकी आती थी 68 लीटर की, अभी इसकी टंकी कितनी आती है डीजल टंकी 71 लीटर, यानी 3 लीटर और बढ़ा दिया, 68 से 71 कर दिया। वो करने से क्या फायदा हुआ, आधा घंटे ज़्यादा काम कर सकता किसान और आधा ही घंटा जैसा लोड के हिसाब से काम कर रहा, तो ये क्षमता और उसकी काम करने की बढ़ गई। अब उसके बाद बात करते हैं, अब जो पहले ट्रैक्टर में टेक्नोलॉजी आती तो सारी थी, हमारे ट्रैक्टर में जो पहले 53-10 में हम बात करते थे जो टॉप 10 फीचर्स हमारी जॉन डियर के हैं, जैसे पावर स्टीयरिंग, तेल में डूबा हुआ ब्रेक, टॉप साफ लुब्रिकेटर, कॉलर साफ गियरबॉक्स, उसके बाद इंजन स्प्रेज है, प्लानेटरी ड्राइव, ये हमारे स्टैंडर्ड फीचर है, वो नए वाले ट्रैक्टर में भी आपके आपको मिलेंगे। इसमें अगर बात करें तो ये आपका प्लानेटरी ड्राइव है, ये आपका इसमें आएगा, ऐसा नहीं कि हमने इसमें कोई बदलाव किया, ये वही टेक्नोलॉजी रखी है जो आप पहले से उसका उपयोग करते हैं। हाँ, तो जॉन डियर में जो ब्रेक आती है प्लेटफॉर्म पर, अगर मैं बात करूँ ये पावर टेक सीरीज में, ये सेल्फ एडजस्टिंग सेल्फ इक्विटी, यानी खुद से एडजस्ट होती है घिसने के हिसाब से, और खुद से ही अगर मैं बात करूँ उसका पैदल की भी एडजस्ट होती है, तो ये आपकी सेल्फ एडजस्टिंग सेल्फ इक्विटी खुद से ऑयल से ही एडजस्ट करती है। तो ये पहली ऐसी कंपनी की ब्रेक है ट्रैक्टर में जो आपको पावर ब्रेक मिलती है, ऑयल से ही अपग्रेड होती है, और ये ब्रेक आपकी क्या होगी प्लानेटरी ड्राइव के पास होती है, और ये हमेशा ऑयल में ही रहती है। हाँ, ये ऑयल में ही डूबी रहती है, जिससे आपको क्या मिलता है स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, और उसके पावर जो ब्रेक की है ना जो इंगेज करता है जो घर्षण उत्पन्न होता है वो बहुत ही हैवी होता है ट्रैक्टर को, वहीं पर आपका क्लच के पर आया थोड़ा उसके, और क्लच के बारे में बात करेंगे, जॉन डियर ने अभी क्लच भी लॉन्च किया है, हेड क्लच इसको बोलते थे फर्मा क्लच, तेल में डूबा क्लच। तो अभी हमारा हमने लास्ट पिछले साल उपयोग किया था टेबल, तो कुछ ट्रैक्टर हमने सोल्ड भी किए थे, तो वही सीरीज पुराना टेक्नोलॉजी हमने इसमें लेके आया 53-10 ट्रेंड है, जिसमें आपको मिलेगा तेल में डूबा क्लच, जिसमें 5 साल या 5000 घंटे की वारंटी मिलेगी क्लच पे। उसका उपयोग क्या है, उसका उपयोग सबसे ज़्यादा उनके लिए जो बहुत ज़्यादा क्लच का, जैसे आपका TMT तो ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर होती है, लोडर होते हैं, डोजर होते हैं, तो वहाँ पर आपको क्लच का बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके साथ साथ एक PR टेक्नोलॉजी आती है हमारी पावर रिवर्सल, इसमें आपको 5 से 5000 घंटे की वारंटी मिलती है, और वो ट्रैक्टर को हाइड्रोलिक एक्चुएटिंग क्लच होती है जो उसके अंदर होती है PR के। आज उसके परमा क्लच इसमें सबसे अच्छा फायदा क्या है कि मरम्मत का काम नहीं, 5 साल या 5000 घंटे तक आप लगातार काम करते रहिए, कंटिन्यूस काम करिए, आपको क्या रहेगा परेशानी नहीं है, मिस्त्री के बाद जाने की जरूरत नहीं है, लंबे समय तक काम करिए, मेंटेनेंस भी आपको नहीं लगेगा क्योंकि 2000
या 2500 घंटे उसमें काम आएगा तो 10-12 हज़ार रुपये तो लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको वो खर्चे क्या बचे सर से बात हो रही थी। सर ने क्या बोला था कि हम ट्रैक्टर ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? काम करने के लिए। तो ट्रैक्टर काम क्या कर सकता है? तो इस ट्रैक्टर से आप बड़े यंत्र चला सकते हैं। बड़े यंत्रों में जैसे सुपर सीडर, बड़े हैवी प्लांटर, आपके पटाटो प्लांटर हो गया आपके, उसके बाद सुपर सीडर हो गया आपका, स्टोरेपर हो गया, लेजर लेवलर हो गया, TMC हो गया, ट्रैक्टर मार्केट हार्वेस्टर आता है, ग्रेडर लगा सकते हैं आप इस पर। तो बड़े इंप्लीमेंटों का यूज कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी और आप अपना कमाई का जरिया बढ़ा सकें। अभी मैं बात करूँ अगर सैंडविच फ्रंट पे की हो, आलू का एरिया है, ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, खेत तैयारी करने के लिए 5-6 बार खेत की जुताई, फिर मड़ाई, फिर रोटावेटर से फिर तैयारी होती है। अगर हम इसमें डबल यूज करें, आगे हम एक यंत्र लगाए पीछे यंत्र लगाए, तो दो फेरे का काम हम एक बार कर सकते हैं। आगे भी चलता है फ्रंट पीडियो, फ्रंट पीडियो, हाँ फोर व्हील ड्राइव में आपका लगता है, वो सिर्फ फोर व्हील ड्राइव और ई प्लेटफॉर्म में ट्रैक्टर में लगता है। इससे फायदा क्या रहेगा आपका, इससे आपका दो बार का काम एक बार करने में लगेगा। अगर खेत तैयारी करनी है तो दो बार की जुताई, तो डबल लेगा फिर इसमें। आप देखिए, हाँ डीजल में फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, 19 से 21 होगा, पर डबल से तो आपका कम ही रहेगा। फिर भी आपका आधा गुना बचाएगा, दो चीज बचाएगा, तेल बचाएगा आपका आधा गुना और आपकी सर्विस में। खाली मैं उन लोगों को बराबर डीजल लेना, ये नहीं लेगा सर, ये नहीं लेगा। हाँ यही तो मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो अभी जो पावर टैक्स सीरीज है, इसका मतलब ही है ये आपका पावर टैक इंजन इसके अंदर है। जितना चलेगा उतना लेगा, जितना लोड दोगे आप उतना तेल लेगा। अभी क्या था, माइक्रो का पंप था, रेल लाइन पंप था, तो उसकी माइक्रो की टेक्नोलॉजी अलग थी, अभी इसकी टेक्नोलॉजी SPCR की लगी है। यानी उसके अंदर क्या है कि कंट्रोल है, जो इंजेक्टर लगे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजेक्टर से, वो उतना ही तेल छोड़ते हैं जितनी इसको जरूरत है। इतना बन जाएगा आपका, और उसके बाद बात करते हैं जो मेरे के लिए सबसे जरूरी है, AC के लिए, क्योंकि मेरे अंदर शौक वाली चीज़ है, गर्मी बहुत है, आज भी मैं पसीना दे रहा हूँ। अगर AC केबिन ट्रैक्टर लॉन्च करा तो उसके अंदर बैठ के बोलते हैं AC में, तो AC केबिन जो प्रोडक्ट है ये सर हमने इसलिए लॉन्च किया था कि आज हमारा किसान ना इतना सक्षम है, जब मेरा किसान गाड़ियों में चलता है, स्कॉर्पियो में चलता है, बड़ी बड़ी BMW में चलता है, अभी बात करें तो किसान के पास मर्सिडीज है हमारे, जब सारी चीज़ अफोर्ड करते हैं तो मेरे किसान ट्रैक्टर लेकर के क्यों रहे, ये तो पहले से ही है। तो ये हमने ट्रेंड मोड में दो प्रोडक्ट आते हैं आपके 5405 और 5075, इसमें आपका बहुत ही स्टाइलिश AC केबिन है इसके अंदर, इसमें आपका AC यानी एयर कंडीशन प्लस हीटर, जैसा एटमोसफियर है दोनों के अकॉर्डिंग चलेगा जो होता है। इसके अंदर आपका पूरा कंट्रोल है, टेम्परेचर गर्म रखना है गर्म रखिए, ठंडा रखना है ठंडा रखिए, और साथ के साथ उसके अंदर आपका म्यूजिक है बढ़िया हरदम का म्यूजिक, हाँ म्यूजिक है, उसके साथ आपका सीट की कंफर्टेबिलिटी है, इसके अंदर आपका दूसरा सीट है, मतलब कंफर्टेबल सीट है इसके अंदर, कि आपको ऐसे एडजस्ट करना है राउंड होगा पूरा, पीछे के लिए ग्लासेज है पूरा, ग्लासेज में पूरा पीछे का ग्लास भी 60 डिग्री खुलता है, जैसे पीछे आपको कुछ ट्रैक्टर के पीछे लगाना है करना है तो उतर के जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप पीछे से कर सकते हैं। तो इसलिए और सबसे अच्छी एक बात करें ना, तो इसके अंदर आप देखेंगे ना फ्यूल टैंक इसका साइड में रहता है, साइड में इसका नीचे पैरदान के पास, तो ये कैमरा होते हैं नीचे, हाँ नीचे होता है। तो ये प्रोडक्ट है आपका, आप ये दिया ना ऊपर पूरा पूरा डाल दो, हाँ। तो फ्यूल डालने के लिए इसमें तो मोटर लगी हुई होगी जी, फ्यूल डालने के लिए इसमें नहीं टंकी है सीधा आपका, जैसे यहाँ पे साइड में वो होता है टैंक होता है, नहीं जैसे गाड़ियों में मोटर होती है टंकी में, ऐसी नहीं है कि इसमें मोटर,
मोटर डालने की टंकी, गाड़ियों की टंकी, कौन सी गाड़ी में टंकी? कोई सी भी गाड़ी में टंकी में मोटर होती है पेट्रोल देने के लिए आगे इंजन को टंकी से, फ्यूल पंप। फ्यूल पंप हाँ, क्या इसमें भी है वो? वो एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा शायद इसमें, क्योंकि इसके अंदर जो पंप लगा है इनलाइन पंप है, हाई प्रेशर वाला। अच्छा, अपना आप खींच लेता है वो? बाकी होगा तो मैं चेक करता हूँ। माइलेज की और क्या फायदा है इसका, मैं किसान के लिए क्या फायदा है? तो ये जो प्रोडक्ट आया है स्पेशली हमने लॉन्च किया है दो चीज के लिए किया है, एक तो पर्यावरण को बचाने के लिए, दूसरा अपने किसान का माइलेज सुधारने के लिए। अगर मैं ये टेक्नोलॉजी नॉर्मली लेके आता तो शायद हो सकता है कि इतना आसानी से हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। पर एक बात करते हैं समाज में, समाज के बदलाव के लिए तो हम जल्दी थोड़ा सा चीज़ों को एडप्ट कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ अपना फायदा क्या हुआ आपका, आपका ट्रैक्टर सही गियर सही आरपीएम में आप ड्रॉप करेंगे चलाएंगे, जो आपका निश्चित होता है कौन से इंप्लीमेंट को आपको किस आरपीएम पे और कितनी स्पीड पर चलाना है, तो इसका फ्यूल पहले वाले से 15% कम होगा, यानी फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो इसमें अगर मेजर की बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, इसका फेसिया आप जब प्रोडक्ट देखेंगे तो इसके फेसिया का बदलाव किया है, ट्रैक्टर का जो लुक है वो पहले वाले ट्रैक्टर से आपको अलग ही इंटरनेशनल रूप में दिया है। इसके अंदर साइडों में हमने क्या किया है, जैसे अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे मैं अभी इस पर करेंगे लॉन्च करेंगे, तो साइडों पे हमने इसमें इस पर फिल्स दिए, आपके जो हुड है हुड में फिल्स है साइडों पे। उसमें क्या होता है कि जब इंजन के अंदर एयर का प्रेशर होता है, गर्म हवा होती है, तो पहले क्या होता था कि आप बोलते थे पैरों तक आती पैर गर्म हो जाते, अभी क्या कि वो हवा इंजन से ही बाहर निकल जाएगी तो पैरों तक वो हीट नहीं पहुंचेगा। तो इसमें उसकी डिजाइन से यह फायदा होगा, दूसरा इसके अंदर एलईडी है, अब हेडलैम्प होते हैं अच्छी विजुअलिटी के साथ करेगा। तो अब हम आगे चलते हैं, आपके बीच में नए प्रोडक्ट को लेके आते हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो अभी मैं अपने अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा। नमस्कार दर्शक भाइयों, तो आज जो है न्यू लॉन्चिंग है 5310 CRDI की, तो अभी देखते हैं इसको। तो ये है हमारा नया ट्रेमफोर पावर टेक सीरीज का 5310 राजा, जिसको जॉन डियर में राजा के नाम से बोला जाता है। तो राजा आया है भाई अवतार में, ये हमारा टैग है। तो आप देखेंगे इसमें न्यू लुक में आया है, सबसे पहले आप देखिए कलर तो वही है सर, कलर आपने सेम कर रहा है। हाँ, इसका लुक चेंज किया है, उसका सारी डिजाइन किया है, साथ में आप देखेंगे हेडलैम्प इलेक्ट्रिक एलईडी हेडलैम्प दिए इसमें हमने, साइड में अगर देखेंगे तो हमने इसमें दिए हैं जो एयर का सर्कुलेशन के लिए, जिससे कि पहले जो इंजन के अंदर गर्म हवा बनती थी वो आपका भी सर्कुलेट हो जाएगा। साथ में अभी देखेंगे, अच्छा स्टीयरिंग एडजस्ट है, ये क्या चीज लगी हुई है इसके फिल्टर पे? ये इसका सर पंप है, अच्छा हवा निकालने के लिए। नहीं नहीं, और जब आपका डीजल नहीं आता तो डीजल को लाने के लिए छोटा पंप होता था पहले। हाँ जी, उसे खोल लेते टाइट हो जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पंप है डीजल की सप्लाई को फिल्टर से पंप तक भेजने के लिए। ये पंप, इसमें अगर बात करेंगे ये वाटर सेपरेटर है, इसके अंदर जब डीजल में अगर पानी आ रहा है तो वाटर को यहाँ से सेपरेट किया जाता है, तो उसके लिए हमारे जो ये निकाल देता है। अच्छा, इसके लिए वाटर सेपरेटर अलग से नहीं लगाया गया आपके? नहीं नहीं, इसके लिए वाटर सेपरेटर अलग से नहीं, ये खुद ही निकाल देगा। जो भी बात कर रहे थे एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, जो आपकी हवा यहाँ से आएगी, एक बार इसको खोलोगे यार, जब साइलेंसर से जब हवा निकलेगी ना, आधी हवा का उपयोग टर्बो में होगा, आधी हवा ईजीआर के थ्रू वापस चली जाएगी। अभी इसमें अगर देखेंगे, इसमें एक नई चीज हमने दी है, इसमें डीजल कूलर तो पहले भी आ रहा था,
ये आपका ऑयल कूलर है, हाइड्रोलिक ऑयल को भी ठंडा करने के लिए कूलर दिया है। ये अलग से जाली दी है जो आपके रेडिएटर के लिए है। ये नए पुराना भी लग जाएगी जाली, ये सर एक बार चेक करना पड़ेगा अवेलेबल है कि नहीं है। वो जुगाड़ हो जाएगा ना मुझे भैया, जुगाड़ पत्ती लगेगी पुराने ट्रैक्टर के लिए हो जाएगा जुगाड़। इसमें अगर मैं बात करूँ डीजल, इसमें एयर कूलर है, इजी आप इसमें इसमें टर्बो के लिए इसमें कैग लगा हुआ है, इंटर कूलर चार्जर। इसके बाद अगर बात करें डीजल कूलर, डीजल के लिए डीजल कूलर लगा हुआ है जो वापस में डीजल जाता है, डीजल ठंडा होकर जाता है। ये आपका ऑयल कूलर है जो आपका हाइड्रोलिक ऑयल है वो भी इसमें ठंडा होकर जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कूलर की, कूलर आपका रेडिएटर ठंडा होता है। और इंजन के ऑयल की बात करें तो इंजन का ऑयल कूलर भी इसमें लगा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो इसमें आपके जो भी ऑयल या कूलेंट यूज होते हैं सारे कूल करने के लिए सिस्टम लगा हुआ है। डीजल कूलर भी है, ऑयल कूलर भी है, हाइड्रोलिक कूलर भी है और कूलेंट कूल भी है। पहले से इंजन थोड़ा भारी कराना है इसका। अगर इसकी बात करेंगे हाँ, पावर ट्रैक सीरीज है ये थोड़ा